थोड़ा सा आप लोग के राइट पे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा राइट क्लोज 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 कैसे हो भाई? अरे बाहर कैसा आपका है सर? कैसे सर आप? मैं तो बढ़िया हूँ भाई, तुम कैसे हो? सर यहाँ पे देखिए सर, साथ में आ जाना, फिर फोन करना है। यहाँ पर क्या सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अरे मुझे मन में अभिषेक में भी कर लीजिए। एक बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और रतन टाटा जी उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से, क्योंकि एक देश का एक ऐसा वो रतन ही थे, अनमोल रतन, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, तो उनकी कमी हमेशा रहेगी। तो सबसे पहले उनके लिए श्रद्धांजलि दिल से। और आज हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं, टी सीरीज जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, तो इन्होंने देवी देवताओं के नाम पर अरबों रुपए कमाए हैं आज तक, और उन्हीं देवी देवताओं के नाम को साक्षी मानकर, उनकी कस्में खाकर, वो कैसे उन्होंने मेरे पीठ पर खंजर भोंका, और कैसे वो लोगों को जो है गुमराह करते हैं, कैसे शोषण करते हैं, उन सब की कहानी है जो मेरे साथ गुजरी है। तो मैं इसके लिए, वो सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब इनका ट्रेलर रिलीज हुआ उसके दो दिन के बाद मैंने ट्रेलर देखा, तो मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया कि इसको करना क्या है। मैं एसोसिएशन गया, तो एसोसिएशन जाने के बाद वहाँ पे मुझसे कहा गया कि सर जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी और जब तक हम फिल्म देखेंगे नहीं, तब तक से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने कहा अगर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद आप करोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि आपको लीगल जाना होगा। तो मैं लीगल गया, उनको नोटिस भेजा मैंने, और मेरे नोटिस के अंदर मैंने पूरी तरह से मेंशन किया कि मेरा स्टोरी क्या है, मतलब जो एक न्यू कपल है जो फर्स्ट सेक्स का जो है वो डीवीडी रिकॉर्ड करता है और वो डीवीडी मिसप्लेस हो जाता है, ये आप मेरे नोटिस में देख सकते हैं। पिछली बार मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन इस बार आप लोगों को क्लियर दिखा रहा हूँ कि ये डीवीडी का जो पार्ट है ये पूरा क्लियर इसमें है। तो उन्होंने मेरी स्टोरी को डिनाई नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी और मेरी स्टोरी अलग है, उन्होंने मुझे इसका, मेरे नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया कि इनके जो राइटर हैं मिस्टर यूसुफ अली खान, ये आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था 2015 में, 27 अक्टूबर 2015, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
जिसमें मैंने अपना डेट शो नहीं किया था, लेकिन मैं आज आपको डेट शो कर रहा हूँ कि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन डेट 13 अगस्त 2015 का है। मतलब उनके राइटर ने, उन्होंने मेरी स्टोरी चुराई है। तो ये बात रजिस्ट्रेशन किया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, पर किसने किया था रजिस्ट्रेशन? सर 13 अगस्त 2015 ये मेरा है, उनका 27 अक्टूबर 2015 का है, मेरे से ठीक 2.5 महीने के बाद का है। तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि उन्होंने ही मेरी स्टोरी चुराई है। और उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताया, फिर उन्होंने मेरे न्यूज़ को भी काफ़ी दबाने का कोशिश किया, फिर भी हम लोग 63 करोड़ लोगों तक पहुंच गए, छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा इसको रूप दे दिया। फिर मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद जो न्यूज़ पे आया, तो मुझे एक दिन एक फ़ोन आया, करनी सेना के जो फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सुरजीत सिंह राठौड़, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि काफ़ी सारा जो है मामलों में उनके नाम अक्सर सामने आए हैं। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने पूछा, क्योंकि वो पहले से भी मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पूछा क्या हुआ, मतलब ये सब क्या चल रहा है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने भूषण जी से भी बात किया, किशन कुमार से बात किया, और नेक्स्ट डे वो आ गए बॉम्बे, जयपुर से बॉम्बे आ गए। उन्होंने मुझे सन एंड सन्स में बुलाया, मेरी बात किशन कुमार से करवाई। किशन कुमार जी से मैं पहले थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है अभी एक महीना पहले, जो सब लोग जानते हैं, वो औलाद को खोने का दर्द बहुत बुरा होता है। तो मैं थोड़ा ये सोच के भी इमोशनल था क्योंकि राइटर एक ऐसी चीज़, मतलब ऐसा इंसान होता है राइटर जो बहुत ही भावुक होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो इमोशनल हो जाता है, चाहे वो उसको रोमांटिक सीन लिखना हो तो उसके लिए रोमांटिक हो जाता है, अगर उसको दर्द वाला मतलब इमोशनल लिखना है तो वो आंसू भी बहाता है, वायलेंट है तो वायलेंट, तो वो हर चीज़ के लिए इमोशन उसके अंदर रहता है। तो वो इमोशन आया मुझे, तो मैंने उनसे बोला सर पैसा सेकेंडरी मैटर है, मैं पैसे के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपको 5-10 करोड़ का जो है क्लेम ठोक सकता था, क्योंकि ये बात वही हुई कि अगर आप कोई साबुन खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे तो 10 रुपये का साबुन मिलता है, और वही अगर आप चोरी करते हुए 10 रुपये का साबुन पकड़े जाते हैं तो आपको हर जाने में 1,00,000 रुपये भरने पड़ते हैं, बिकॉज आप चोर हैं, वो सब जानते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा क्रेडिट, वो मेन मेरा लड़ाई जो है मेरा मेरे हक का है, जो मैंने मेहनत किया है, मेरा जो है आपकी वजह से करियर पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ा है, बिकॉज अब मैं उसे एज ए राइटर डायरेक्टर पिच कर रहा था, हमारी एक प्रोड्यूसर हैं फरा जी, उनको मैंने जो है मतलब उन्होंने मुझे साइन भी किया था 2017 में, बट किसी वजह से अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मैं मतलब एज ए डायरेक्टर करने ही वाला था प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा सर मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, मुझे मेरा स्टोरी में क्रेडिट चाहिए सर, और आप भी कबूल करते हो कि हाँ ये मेरी स्टोरी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको आपका क्रेडिट मिल जाएगा। ये फ़ोन पे मेरी सुरजीत सिंह राठौर ने बात कराई किशन कुमार से। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फिर होटल में बुलाया, क्योंकि ये मीटिंग सन एंड सन्स में चल रही थी, पहली मीटिंग जो सुरजीत सिंह से हुई, फिर नेक्स्ट मीटिंग वापस सन एंड सन्स में वापस हुई, तो उन्होंने टी सीरीज़ का कोई आदमी ब्रिजभूषण नाम के म्यूज़िक डिपार्टमेंट का ऐसा बताया, तो वो आए सेटलमेंट लेटर लेके, ये मैं आपको उनका सेटलमेंट लेटर दिखा रहा हूँ, ये है उनका सेटलमेंट लेटर, ये आप देख सकते हैं। सेटलमेंट लेटर तभी प्रोवाइड किया जाता है किसी को जब आप ये मान लेते हैं कि मेरा क्लेम 100% सही है, 100% सही है। तो उन्होंने ये मान लिया है कि ये स्टोरी मेरी है, अमित गुप्ता की है, तभी वो मेरे पास सेटलमेंट करने के लिए आए।
और उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत सारे कमिटमेंट किए, माता रानी की कस्में खा खा के। आज ये 3 तारीख को हुआ है, ये मेरा जो हुआ है ये डेट देख सकते हैं आप, 3 अक्टूबर 2024। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आज तो माता रानी का दिन है, बहुत शुभ दिन है, आपका माता रानी की कृपा से जो है आपकी टी सीरीज़ में शुरुआत हो रही है, आप टी सीरीज़ के सदस्य बनने जा रहे हो, आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आपका नाम जा ही रहा है, नेक्स्ट डे आपको जो है मतलब 4 तारीख को उन्होंने मुझसे कमिट किया कि मुझे एज ए राइटर मुझे मेरा एग्रीमेंट मिल जाएगा और जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं वो 4 तारीख को साइन कर ली जाएगी। लेकिन और इसी बेस पे मैंने उनके फिर उन्होंने मुझे वापस सुरजीत सिंह ने मुझे बात कराई आपके किशन कुमार जी से, और उन्होंने भी मेरे से बोला, वापस बोला कि आप बन गए हैं हमारे सदस्य, अब आप जो है क्या कहते हैं आपके पास जो भी स्क्रिप्ट है वो आप सुनाइए हमको, हम उस पर फिल्म बनाएंगे। उन्होंने बहुत सा लालच दिया और ये भी कहा कि भाई हम आपका नाम डाल रहे हैं। और ये मैं इसलिए इस कह पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं उस मीटिंग में गया तो मुझे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे से सीधा बोला था कि कोई आपका लॉयर नहीं आएगा, कोई भी आपका दोस्त नहीं आएगा, आपको आना है होटल में सेटलमेंट के लिए अकेले आना है। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। तो जो मीटिंग का जो कन्वर्सेशन है, सारी चीज़ें जो जो हुई है, वो 30 मिनट की रिकॉर्डिंग वो मेरे पास है एविडेंस के तौर पर। उसका मैं कुछ पार्ट आप लोगों को सुना सकता हूँ, वो मैं सुना भी देता हूँ आपको, लेकिन बाकी की चीज़ें जो है मैं कोर्ट में जब भी हमारा मैटर आएगा तो हम वो सारी चीज़ें, क्योंकि आज के डेट में इससे प्राइम एविडेंस माना जाता है जो रिकॉर्डिंग है, जो लाइव रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ये प्राइम एविडेंस मेरे पास है जिसमें उन्होंने कैसे कैसे माता रानी का नाम ले लेके कैसे कैसे उन्होंने मुझे इमोशनल किया, कैसे वो किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी मतलब टी सीरीज वो धोखा दे रही है, वो भी भगवान का नाम ले लेके, मतलब ये क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, इतना मतलब चीट, मतलब सीधा छुरा भोंकने का, आप ऐसे लोगों का शोषण करते हैं, मतलब ये मतलब हम जैसे लोग मतलब ये सोचते हैं कि यार किशन कुमार भूषण कुमार से बात हो रही है हमारी, मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन आपका एक ही इंटेंशन है कि आप जो है कोई भी मिलता है आप उसे मतलब ऊपर उठने देते नहीं हो और आप उसके पीठ पे खंजर मार दे, तो आपकी आदत बन गई है ये। मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या मतलब हमारी बातचीत हुई है। मैं सोच रहा था कि यार ये लोग रिस्पेक्टेबल लोग हैं, लेकिन कैसे रिस्पेक्ट करूं मैं ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस की जो कि क्या मतलब आपके इमोशन का फायदा उठाते हैं। आप देवी देवता का नाम से आपने अरबों रुपए छापे, टी सीरीज अगर खड़ा हुआ है तो सिर्फ देवी देवताओं की वजह से, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा भारत जानता है, लेकिन वो माता रानी का झूठा कसम खा खा के आप क्या मतलब साबित करना चाहते हो, और आपने धोखाधड़ी किया मेरे साथ, ये आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन डेट दिखा दिया सब। भाई मेरा स्टोरी है, मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ मेरा क्रेडिट मांग रहा हूँ ना, मेरा हक मांग रहा हूँ। ये मैं आपको वो कन्वर्सेशन सुनाता हूँ। आवाज शायद सुन रहे होंगे आप लोग, विश्वास ठीक है। ये बोलो भाई, भाई ब्रिजभूषण जो तीसरी इसमें से मिल रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं कि एज ए राइटर आप इस स्टोरी में आपका नाम लिया जा रहा है। नहीं हो रहा भाई, किससे होगा, मैंने बोल दिया ना आपको, काफी नॉवेल का जारी किया था, मेरा नाम है ये कंपनी का नाम मैं दिलवा दूंगा, बोल रहा हूं बोल रहा है, मतलब बहुत क्या चाहिए आप आपको क्या बोला कि सुजीत भाई जो बोलेंगे वो मान्य है, बोला हाँ बोलो। अब मेरी बात कहीं नहीं रख सकते, आज इतने साल से आप आए होंगे,
इसके बाद बहुत सी कन्वर्सेशन है जो मैं अभी आपको पूरा नहीं सुना सकता क्योंकि मेरे पास कुछ चाहिए एंड के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये आधे घंटे का रिकॉर्डिंग है सर। ये बात तो दिख रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट पे फोन करें सर, आपने अपना बताइए आप सपोर्ट कर रहे हैं अमित जी क्या करेंगे क्या आप सर। मैं गोरख से धोत्रे, भारतीय जनता पार्टी चित्रपट उद्योग निर्माता का प्रमुख हूँ। अमित भाई ने जो फिल्म लिखी है वो फिल्म के लिए मैं सपोर्ट में इनके यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इस तरह से जो फिल्म राइटर है जो अपनी कहानियाँ अलग अलग लोगों को सुनाते हैं, वो अपना रजिस्टर करके वो सुनाते हैं, उसके बाद ये लोग अपने किसी बंदे को वो उसके नाम पे ये फिल्में रिलीज करते हैं। तो मैं तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन है द फिल्म राइटर एसोसिएशन के ऊपर कि फिर आप फिल्में अपने पास रजिस्टर करवाते क्यों हो, क्यों? क्योंकि आप अगर आपके मेंबर को आप हक नहीं दिला सकते, फिल्म रिलीज होने के बाद आप क्या करोगे? एक छोटा सा राइटर है और इतनी बड़ी टी सीरीज जैसी कंपनी, उसके साथ कहाँ पे फाइट करेगा? तो आपका एज एसोसिएशन आपका पहला फर्ज था कि आपको अगर सेम स्क्रिप्ट दिख रही है और इन्होंने पहले अगर वो रजिस्टर की हुई है तो आपको टी सीरीज में इनके साथ जाके आपको टी सीरीज के साथ आपको बात करनी चाहिए थी और इनको हक दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो ना करते हुए आप फिल्म आएगी तब देखेंगे तब करेंगे। तो इस तरह का आपने जो दो फिल्म राइटर एसोसिएशन ने जो धंधा लगा के रखा हुआ है, लोगों से स्टैम्प करवाना, पैसे लेना और अपनी दुकान चलाना, तो ऐसी दुकानें आप पहले तो बंद कर दो। अगर आप किसी को न्याय नहीं दे सकते तो आप ऐसी दुकानें चलाओ मत। और इन्होंने जो फिल्म लिखी है हिंदू देवी देवताओं के नाम लेके इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, तो टी सीरीज वालों को हमारा एक ही सवाल है कि भाई आज आप जिस देवी देवताओं के नाम पे इतने बड़े बने हो तो उसके नाम पे सिर्फ इस तरह का गलत व्यवहार आप मत कीजिए। इस भाई साहब ने जो फिल्म लिखी है उसको उसका क्रेडिट दिया जाए। किसी तो हमारे अमित भाई ने हमारे अमित भाई ने जो फिल्म लिखी है उस फिल्म के ऊपर किसी अल्पसंख्यक लोगों के नाम डाल के आप क्या जताना चाहते हो? आप रोटी दाल रोटी और आप बड़ा हिंदुओं के नाम पे बनना चाहते हो और क्रेडिट आप अल्पसंख्यक लोगों को देना चाहते हो? सर ये भारत है, भारत में हमारे जिन लोगों ने काम किया हुआ है ऐसे लोगों को क्रेडिट दे दो जिनकी सच में मेहनत है। आप किसी अरे गहरे को इस तरह का क्रेडिट दे के आप अपनी कंपनी का और इतने सारे हजारों करोड़ों हिंदू लोग जो है जो टी सीरीज को एज अ जैसे गुलशन कुमार जी का नाम जैसे भगवान के साथ लिया जाता है कि उन्होंने आज भगवान के लिए इतना सब कुछ किया है, तो इस तरह के गलत काम आप मत कीजिए। इस भाई ने जो काम किया हुआ है उसका उसको हक दीजिए। यही हमारी आपके सारे पत्रकारों के माध्यम से उनको एक विनंती है। सर आप तो उनका ऑफिस में जाकर बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? सर उन्होंने इनके साथ 3 तारीख से आज तक इनके साथ सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। देखिए मुझे कहा गया कि 4 तारीख को आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, 4 तारीख को किशन जी बीमार पड़ जाते हैं ऐसा मैसेज आता है कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम लोग कल मिलेंगे 5 तारीख को, 5 तारीख को कोई और एक्सक्यूज़ आ जाता है, 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख मेरा सब्र जवाब दे गया कल। मैंने कहा नहीं, ये लोग जो है मुझे बुला नहीं रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया है। मेरे लॉयर ने भी बोला है कि ये छल है पूरी तरह से जो आपके साथ किया गया है, मतलब ये बहुतों के साथ भी हुआ है, आपको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने जो नेपोटिज्म की जो लंका बना के रखी है ये बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते ही होंगे, आप सब लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, सब लोग जानते हैं, और बाकी कितने सारे मॉडल्स एक्टर हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, जिनके साथ क्या हादसा हो जाता है दुनिया को पता नहीं चलता है। मेरे साथ भी हो सकता है, कल मैं बहुत डरा भी हुआ था कि ये लोग कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, मैं बहुत डरा हुआ था कि आज भी हो सकता है मेरा करियर भी बर्बाद कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े, मुझे डिप्रेशन जैसा फीलिंग आया, मुझे लगा कि कहीं मैं भी सुसाइड ना कर लूँ,
और हो सकता है डिप्रेशन में मैं जाके इतना ज़्यादा इन्होंने मतलब डिप्रेस किया है मुझे, कि क्योंकि करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। चंदौली एक जगह है जो बनारस में होती थी, चंदौली डिस्ट्रिक्ट बना उसके बाद, मैं वहाँ से हूँ और मैं उतनी दूर से अपना घर परिवार छोड़ के, अपनी मातृभूमि छोड़ के मैं इस भूमि पे आया। यहाँ को अपनी मातृभूमि की तरह मैंने इस भूमि को पूजा। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, किस लिए? क्योंकि मैं अपने नाम के लिए कर रहा था। एक राइटर के लिए उसका सबसे बड़ा जो दौलत होता है वो होता है उसका स्टोरी, और कुछ नहीं होता है। मतलब राइटर 99% राइटर्स की ये हालत है, उनके बैंक अकाउंट आप जाके चेक कर लेंगे, वो खर्चा चलाने में भी अपना उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है, महीने का खर्चा वो रेंट कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें 99% राइटर। लेकिन वो इसलिए मतलब सीना तान के और दिल से खुश रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो दौलत है वो है उनका स्टोरी। और वही अगर आप चुरा लेंगे और उसको मतलब समाज में हर जगह, अभी बात इज्जत की भी है कि आज मैं अपने हक की लड़ाई के लिए मैंने अब थोड़ा आवाज़ उठाया। मेरे जानने वाले लोग जो है मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप तो ऐसे ही हवा में कर रहे थे ऐसे वैसे। मेरे पास एविडेंस होने के बावजूद, मेरा रजिस्ट्रेशन डेट होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, मैं आज मेरे हाथ पैर उन्होंने काट दिए। मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? अब यही एक ऑप्शन बचता है कि मैं जाके उनके जो है ऑफिस के सामने जाके सुसाइड कर लूं, यही बचता है ना, क्योंकि सारी दौलत एक राइटर की वही होती है और जमा पूंजी कुछ नहीं होती है राइटर की। हाँ, कुछ जो है प्रोफेशनल जो 1% में आते हैं उनके पास हैं पैसे हैं, वो अपना सब अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन बाकी 99% वो डेली स्ट्रगल करते हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, डेली कुआं खोदो और पानी पियो, तो वो वाली हालत होती है। तो आपने ऐसा बताया कि सेगमेंट के लिए आपको होटल बुलाया जी, जिससे बातचीत हुई जी, इसी भी साइकिल लेकर के जब आप सुबह पर्सनली उनके पीआर के से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? सर अभी इसका जवाब मेरा ये, एक सेकेंड है सर, इसका जवाब वो कितना झूठ बोलते हैं वो लोग, वो किस हिसाब से गिरे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा जो सेटलमेंट लेटर है सर, ये टी सीरीज का ही है सर। लेकिन पीआर के उनके ये सर, सर जब बॉस से मेरी बात हो रही है, किशन कुमार ने मेरे से वादा किया है, अभी मैं उसके आगे मैं आपसे क्या बोलूं? ये टी सीरीज है ना सर, ये सेटलमेंट लेटर उन्हीं का है ना, वो तो मैं कोई घर पे नहीं छाप रहा हूँ ये। अभी आप ये मीडिया को दिखा रहे हैं, इससे पहले तक किसी भी जो पीआर टीम है उनको इस विषय की कोई जानकारी नहीं? सर उनको सारी पीआर टीम को नहीं हो सकती है, लेकिन जो क्या है सर, ये सेटलमेंट लेटर सिर्फ किशन कुमार जी के कहने पर नहीं बना, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के अंदर, जो 9 नाम है जिसमें भूषण कुमार जी हैं, किशन कुमार जी हैं, शोभा कपूर है, एकता कपूर है, विपुल डीशा है, अश्विन वादे हैं, आपका राज चंडलिया है और एक नाम और है, तो कहने का मतलब है सर उन सबकी सहमति के बाद ये लेटर बना होगा सर, ऐसे ही नहीं बना होगा। और ये लेटर इस बात का प्रूफ है कि आप सेटलमेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको खतरा था कि अमित गुप्ता आपकी फिल्म पर स्टे लगा सकता है, और आपने इतना बड़ा गेम किया कि 3 तारीख को जब मैं कोर्ट जा रहा था, मेरा सूट मतलब बन के तैयार था, 3 तारीख को फाइल था, 4-5 तारीख तक कानून व्यवस्था मतलब वाकई में मतलब जो न्यायाधीश हैं वो मतलब अगर मेरी बात अच्छे से सुन लेते तो 5 तारीख तक स्टे लग भी जाता, ये आपको अच्छी तरह से पता था। इसलिए आपने नया गेम खेला कि अमित गुप्ता को एक लॉलीपॉप पकड़ाया ये रहा, और फिर आपने झुलाना चालू कर दिया मुझे, और झुलाते गए और आज 10 तारीख है, आज फिल्म का प्रीमियर कर रहे हो आप और मेरा कहीं भी जिक्र नहीं। तो आपका बनना चाहिए आपने वीडियो के साथ बनना चाहिए? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो हमेशा हम काफ़ी सालों से सबकी हक की लड़ाई के लिए आगे खड़े रहते हैं,
और ये एक ही अमित गुप्ता नहीं है, एक ही अमित गुप्ता नहीं जिसके साथ ऐसे यहाँ पे अन्याय हो रहा है, ये हर बॉलीवुड में, हर इंडस्ट्री में। इसलिए आज बॉलीवुड का नाम इतना बैकफुट पे आ चुका है, हर जगह पे अत्याचार होते हैं, हर गरीबों की, हर मिडिल क्लास की, मेहनत कश की लाशों के ऊपर चढ़ के बॉलीवुड बन रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं ना क्या क्या अन्याय हो रहा है। हमें तो अभी लगता नहीं है कितना भी कर दें इनके साथ कोई न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ये एक ही केस नहीं, हजारों केस ऐसे हर इन्होंने आवाज़ उठाई तो आप लोग को पूरी मीडिया का आज मालूम पड़ा है, तो कल ये भी चुपचाप बैठ जाते हैं। अब साथ में रहेंगे हर वक्त तक, बनते मरते दम तक इनकी हम कभी हारने नहीं देंगे। अगर हर हम हार गए आज हर एक मिडिल क्लास हार जाएगा, हमको पूरे भारत। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने, मैं मेरे पिताजी थोड़ा शिक्षित अच्छे मतलब वो थे, टॉपर थे, जब से मैंने होश संभाला है तब से हमको एक ही चीज़ सिखाई गई है कि सच बोलो, ईमानदारी से चलो, भगवान आपके साथ होगा। यहाँ मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आवाज़ सच के लिए उठा रहा हूँ, मेरे हक के लिए, मेरी ईमानदारी के लिए कर रहा हूँ। और आज मुझे इतना दबा दिया गया है कि मतलब मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ ये, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उन्होंने इतना मेरे साथ छल किया है जिस हिसाब से, और मैंने आपसे पहले भी बोला, वैसे भी मैं थोड़ा सा भगवान को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, उन पर भरोसा बहुत करता हूँ। उनका जब होता है तो एक अलग सा भावना अंदर भर जाता है कि कोई बोलता है कि मैं भवानी माँ की कसम खाता हूँ, माता रानी की कसम खाता हूँ, तो थोड़ा सा विश्वास जैसा फीलिंग आता है कि चलो यार ये भगवान के नाम पे झूठ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भगवान का ही पैसा खा रहे हैं, भगवान के नाम का पैसा खा रहे हैं। और इतना बड़ा छल, मतलब लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट टाइम तो हम हाईकोर्ट में इसको अपील कर रहे हैं, क्योंकि क्या इस तरह से उन्होंने इतने दिन से इनके उनको लॉलीपॉप देके इनको आजकल कर रहे हैं, और ये फिल्म आज रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आज के आज तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसको हम लोग हाईकोर्ट में लेके जाएंगे, और इनकी जो इनको इन्होंने जो फिल्म लिखी है उसका उनको हक देने के लिए हम पूरी तरह से इनके पीछे खड़े रहेंगे। और अभी सर ने एक सवाल पूछा था कि PRO टीम से को पता क्यों नहीं है। सर PRO की टीम का काम कब चालू होता है? जब फिल्म रिलीज हो रही होती है तभी है। उनको बैकडोर में क्या कंपनी कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में इनको कोई आता पता नहीं होता। इनका काम होता है फिल्म को पब्लिश करो, लोगों तक पहुंचाओ, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इनको उन चीज़ों से कोई लेना देना होता नहीं है। सर तो सर मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात बताया, उन्होंने कि इनके पास पैसा बहुत है सर, मुंह बंद कर देते, पैसा देने वाले मुंह बंद कर देते, अपने ओर खींच लेते, तब क्या करेगा? सर देखो, आदमी को पैसा दे के अगर मुंह बंद कर रहे हैं तो उनको उनकी मेहनत का कुछ तो मिल रहा है ना सर। देखो एंड ऑफ द डे आदमी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, कुछ भी करो, एक तो आदमी को दो चीज़ चाहिए, एक तो पैसा चाहिए और एक तो नाम चाहिए। कहीं ना कहीं पे तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत आएगी वो उनके ऊपर डिपेंड है। हम तो उनके पीछे एंड तक खड़े रहेंगे, वो उनके ऊपर है कि उनको पैसा लेना है या नाम लेना है। लेकिन आज वो यहाँ पे जिस तरह से खड़े हैं वो यहाँ पे पैसों के लिए खड़े नहीं, पैसों के लिए अगर खड़े होते तो आप सबको यहाँ पे बुलाया नहीं जाता था, अंदर से चुपचाप जाके वो सेटलमेंट करके आते थे। लेकिन उनको अपना नाम, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है उसका उनको ये मिलना चाहिए, मुबदला मिलना चाहिए, उनका उनका नाम मिलना चाहिए। तो हम उनके नाम के लिए उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। सर आपने बोला ना कि पैसे देख के मुंह बंद कर दिया जाता है, बहुत लोग जो खड़े होते हैं सपोर्ट में सब लोग वो हो जाते हैं, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है अभी तक, बहुत लोगों का है। लेकिन सर आप लोग हैं, आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ हैं देश का, समाज का हैं, मतलब आप मेरी बात जनता तक पहुंचाएंगे, मतलब आपको अच्छा लगता है तो, और जनता ही न्याय करेगी कि क्या है क्या नहीं है, सच क्या है। मैं बस जनता से इतना कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत है तो आप इनकी फिल्में मत देखिए। जब तक न्याय नहीं मिलता है तो ऐसी फिल्में देखना आप अपने साथ धोखा करने बराबर जैसी चीज़ कर रहे हैं। आप अगर वो फिल्म देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अमित गुप्ता सही है, तो आपका अगर ज़मीर है तो आपको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो देवी देवताओं के नाम पे धोखा दे रहे हैं आपको।
खेल रहे हैं आपके साथ, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। और अगर वाकई में वो सच बोल रहे हैं, सच बोला है उन्होंने, तो इस फिल्म में क्रेडिट में मेरा नाम रिलीज पे दिखना चाहिए, अगर वो सच बोल रहे थे मुझसे तो। और बाकी जो मेरे पास एविडेंस है, जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो मीटिंग मेरी हुई है और जो जो बातें मेरे से कमिटमेंट की गई है, वो मैं कोर्ट में दिखाऊंगा, वो सुनाऊंगा उसको। वहाँ आप लोग भी आइए, आप लोग का भी वेलकम है, जब हम वो हम आपको भी बुलाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचाइए, ताकि देश की जनता को पता चले ये लोग कैसे लोग हैं और कैसे बॉलीवुड में शोषण किया जाता है। नया आदमी कभी उठ नहीं पाता है, वो यहीं पे मतलब क्या कहते हैं, वो आता है। कई लोगों को मैंने देखा है जो यहाँ पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, शर्म के मारे वो घर नहीं जाते हैं, क्योंकि मतलब वो अपने घर जाके अपने दोस्तों को मुंह क्या दिखाएंगे। वो तो हीरो बनने आए थे, वो राइटर बनने आए थे, वो डायरेक्टर बनने आए थे, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाए। सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनको दबा देते हैं, उनके टैलेंट को दबा देते हैं। तो वो चीज़ है सर, आप प्लीज़ इनके अमित गुप्ता के साथ हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, इनकी अकेली लड़ाई नहीं है। और ये तो वही बात होगी, हम भी बचपन से गुलशन कुमार जी के गाने, देवी माता के देखते आए हैं, जब वहाँ कुछ भी नहीं थे, कितने मेहनत करके आगे गए आज तक। और मेरा बोलना ये है कि इनके जो बच्चे हैं, जो भी ये जनरेशन, उनका नाम पूरा मिट्टी में मिलाने जा रही है। वही बात कहनी पड़ेगी, कभी बोलना नहीं चाहिए, मुँह में राम बगल में छुरी।